नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं, इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर आज एक बड़ा ऐलान हुआ है रेल मंत्रालय की तरफ से, और अब जो इसकी प्रक्रिया है रीडेवलपमेंट की वो चालू हो रही है। दोस्तों आज मैं सांसद शंकर लालवानी जी से मैं मिला और मैंने उनसे समझा है कि आखिर इस प्रोजेक्ट में क्या होने वाला है। तो सांसद जी ने हमें कुछ डिज़ाइन और ड्राइंग वगैरह के जरिए ये समझाया है कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है और इसमें क्या क्या काम होंगे। तो दोस्तों ये खास आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको ज़रूर पूरा देखिए अंत तक और मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे भी इस तरह के वीडियो जो हैं वो हम बनाते रहेंगे। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आज हमारे साथ हैं इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी, और श्री लालवानी जी के प्रयासों से आज एक इंदौर का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, और वो है इंदौर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का। सांसद जी हमें ये बताएंगे कि इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में आखिर होना क्या है और कैसे ये पूरा जोन है रेलवे स्टेशन से लेकर सरवटे या शास्त्री ब्रिज तक का, तो ये पूरा जोन कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। और आइए हम समझते हैं उन्हीं से कि ये क्या प्रोजेक्ट है। सांसद जी बताइए इसमें क्या क्या इसमें प्रोजेक्ट हैं और इसमें क्या क्या काम होने का है। देखिए बहुत लंबे समय से हम मांग कर रहे थे कि इंदौर रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए जी। और जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर होना चाहिए, उसी मंशा के अनुरूप माननीय रेलवे मंत्री जी ने जब भोपाल का कमलावती रेलवे स्टेशन का लोकार्पण का डिजाइन बनाई थी और उसके बाद में लोकार्पण हुआ, हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि इंदौर के रेलवे स्टेशन का भी होना चाहिए, और उन्होंने प्रारंभिक तैयारी की थी और उसके साथ साथ समय समय पर यहाँ पर जो अधिकारी आए थे उन्होंने देखा भी था। अंतोगत्या माननीय मंत्री जी ने जो ऑप्शन आए थे उनको इंदौर के प्रोजेक्ट को लेकर, उन्होंने एक अधिकारी के साथ बैठकर एक निर्णय लिया और उसमें जो हमारा इंदौर का जो एयरपोर्ट है उसे एयरपोर्ट की तरफ पर जो रेलवे स्टेशन बनना है उसको फाइनल किया। इसकी महत्वपूर्ण जो बात है वो आने वाले 50 सालों में जो इंदौर की रेलवे की आवश्यकता हो सकती है, चाहे हम पैसेंजर की बात करें 2070 तक मुझे लगता है कि 12,000 पैसेंजर पिक टाइम में पर आवर होंगे, एक घंटे में 12,000, उस को ध्यान में रखते हुए इस पूरे प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन की डिजाइन बनाई गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि इसको दोनों शास्त्री ब्रिज के की तरफ हम देखें तो मेट्रो से जोड़ा गया है, और पटेल ब्रिज की तरफ हम देखें तो उसको सरोटे बस स्टैंड की तरफ जोड़ा गया है। और इसमें जो पार्किंग की जो मुख्य समस्या सामान्य तौर पर रेलवे स्टेशन पर आती है, ये अंडरग्राउंड उसमें पार्किंग रहेगा और इसमें वो सभी सुविधा रहेगी जो आने वाले समय में आवश्यक है, चाहे शॉपिंग मॉल हो, लॉजिंग हो, बोर्डिंग हो, नॉमिनल रेट पर लॉजिंग बोर्डिंग हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो। तो मुझे लगता है एक नया कंसेप्ट लेके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्री जी ने करा है, और अगर हम देखेंगे तो हम ये जो हमारा मुख्य बिल्डिंग रहेगी एयरपोर्ट उसकी रेलवे स्टेशन की सामने का अभी वर्तमान में यहाँ पर पार्किंग होती है जी, ये इस प्रकार रहेगा। और इसके इस बिल्डिंग के मुख्य बिल्डिंग के सामने ये पूरा कॉम्प्लेक्स बनेगा जिनमें कमर्शियल गतिविधियाँ रहेगी। इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो वो सड़क अभी है उस सड़क को चौड़ा किया जाएगा और वो सड़क थ्रू रहेगी। ये सरवटे रोड है? नहीं, ये रेलवे स्टेशन के बाहर का रोड है। हाँ, सरवटे की तरफ जो सरवटे की तरफ जाता जी, है जी, जी। और अगर हम ये कहें कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या लॉजिंग बोर्डिंग में जो लोग रहते हैं वो रेलवे स्टेशन पे कैसे आएंगे, तो उसके लिए स्काई पाथ बनाया गया है। हाँ, स्काई वॉक। स्काई वॉक, और ये हम देख रहे हैं कि इसमें लोगों का आना जाना मूवमेंट इससे इधर रेलवे स्टेशन तरफ होगा। नीचे सड़क है, रोड है, सड़क को चौड़ी किया जाएगा तो लोगों का मूवमेंट सड़क पे नहीं होगा, लोगों का मूवमेंट फर्स्ट फ्लोर पर स्काई वॉक पे होगा। वो रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं, अगर किसी को यहाँ मॉल में जाना हो, कमर्शियल एरिया में जाना हो तो वहाँ भी जा सकते हैं। पार्किंग जो रहेगी वो नीचे बेसमेंट में रहेगी, तो बहुत बड़ा बेसमेंट इसके नीचे बनाया जा रहा है जिसमें पार्किंग रहेगी। तो इस प्रकार सर्व सुविधा युक्त ये आने वाली ज़रूरतों के मान से बनाया गया, और मुझे लगता है ये मील का पत्थर साबित होगा इंदौर के विकास में। ये सांसद जी, ये इसके अलग अलग व्यू हैं या फिर ये अपने अलग अलग ऑप्शन है? ये नहीं, नहीं, ऑप्शन तो एक ही है, उसके अलग अलग व्यू एंगल है, अलग अलग एंगल से, कोई सामने का है, कोई साइड व्यू है, कोई टॉप व्यू है,
की अलग अलग व्यू है उसी। सांसद जी, इस प्रोजेक्ट पे कब तक काम चालू होने की उम्मीद है? देखिए, रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को फाइनल किया है और माननीय मंत्री जी ने उसको फाइनल करने के बाद यह प्रोजेक्ट जीएम वेस्टर्न रेलवे के पास भेजा गया है। वो उनकी जो सिविल विंग है वो पूरी इसकी टेंडर प्रक्रिया करेगी और जब टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी, टेंडर प्रक्रिया होने के बाद यह रेलवे मंत्रालय में स्वीकृति के लिए जाएगा और फिर काम शुरू होगा। मुझे लगता है सब प्रक्रिया में लगभग 4-5 महीने लग जाएंगे और 4-5 महीने में काम शुरू होना चाहिए संभावना। उसकी टाइम लिमिट कुछ बताइए। संभावना लगती है कि 3 वर्ष लगेंगे, क्योंकि ये जो हमारा रेलवे स्टेशन है, ऑपरेशनल रेलवे स्टेशन है, इसमें रेलवे प्लेटफॉर्म पे चालू रहेगा और साइड में बनता भी रहेगा, तो दोनों चीज़ें तो उसको ध्यान में रखते हुए समय लगभग 3 साल का लग सकता है। इसकी लगभग लागत कितनी आंकी गई है, चूंकि PPP मोड पे बनना है, ये पूरा निजी क्षेत्र का निवेश? देखिए, अब अभी एकदम के ना लागत कितनी रहेगी ना मुश्किल है, क्योंकि अभी इसके टेंडर डॉक्यूमेंट बन रहा है। एक बार टेंडर डॉक्यूमेंट बन जाएंगे उसके बाद एग्जैक्टली लागत कितनी होगी वो सामने आएगी। फिर भी लगभग 2000 करोड़ रुपए लगभग हो सकता है, इतना हो सकता है। ठीक है सांसद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। धन्यवाद।